गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकादमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, और द होल चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई हैव टू डिवाइड इनटू 10 लेक्चर्स, जिसके वीडियोज़ मैं टाइम टू टाइम आपको बेसिकली अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जो आप तक ऑलरेडी पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली इफ़ द नोटिफिकेशन इज़ ऑन फ्रॉम योर साइड। चैप्टर नंबर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि सभी स्कूलों के अंदर SA1 कंप्लीट होने के बाद SA2 के लिए प्रेपरेशन शुरू करवा दी गई हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि क्लास 10th NCERT से मैंने लिया है। और इस पूरे चैप्टर को मैंने 10 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। और आगे भी मैं इस तरह के जो लेक्चर नंबर 2 अप टू 10 तक की जो वीडियोस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि वो आप तक पहुँच जाए। और माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, और बोर्ड में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इसे अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और इस लेक्चर के अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं, जो कि आपको मेन स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड द थर्ड वन इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो 1 by 1 हम तीनों को डिस्कस करेंगे, और इनमें से एक क्वेश्चन आपका 2 marks का पूछा जा सकता है। या तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने के लिए पूछेगा एग्जामिनर, या फिर इस न्यूमेरिकल के बारे में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 1 है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अगर जैसे मैं किसी भी वायर की बात करूं, यू नो व्हाट इज अ वायर, ए वायर इज मेड अप ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स। जैसे मैं कॉपर वायर की बात करूं, तो वो कॉपर के एटम से मिलके बनी हुई है। अब जो उसके अंदर वायर के अंदर अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल्स की, तो चार्ज पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली उस वायर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन होता क्या है कि दे आर मूविंग रेंडमली। कोई चार्ज पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दे आर मूविंग रेंडमली इन जिग जैग मैनर्स। तो नेट देर इज नो पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर इन साइड द वायर, तो देर इज नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस इट। क्योंकि करंट किसी भी वायर में, हमेशा ध्यान रखें, तब चलेगा जब सभी के सभी चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे। अगर वो चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे, तो करंट आपका नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो मैं यहां पर एक वायर ले रहा हूं, सपोज दिस इज द वायर ए बी। अब यू नो दैट दिस वायर इज टू बी कंस्टिट्यूट द चार्ज पार्टिकल्स, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन्स है, बट दे आर मूविंग रेंडमली। कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, 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 दे आर मूविंग रेंडमली। अब जब ये चार्ज पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो देर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स। तो ये जो चार्ज पार्टिकल जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में ये पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते, क्योंकि करंट के अंदर पार्टिसिपेशन देने के लिए चार्ज पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपके घर में एक स्विच लगा हुआ है, और वहां पे एक ट्यूब है, लेकिन जो स्विच की वायर जो है ट्यूब तक कनेक्टेड है, इफ़ द स्विच इज ऑफ, तो क्या चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे वायर के अंदर? कर रहे हैं, बट दे आर मूविंग रेंडमली इन जिग जैग मैनर, तो इट मीन्स देर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन जब आप स्विच को ऑन करते हो, तो जो पीछे से सप्लाई आती है वो चार्ज पार्टिकल को कंपेल करती है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे, और जब चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं, तो दे विल कंस्टिट्यूट द करंट। जैसे कि मैंने इसमें दिखा रहा हूँ, दिस इज द वायर। अभी इस वायर के साथ मैंने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, सपोज देर इज अ इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर मूविंग रेंडमली।
इन जिग जैग मैनर्स, तो दे डू नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोसेस करने के लिए चार्ज पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना बहुत जरूरी है. बट वेन एवर यू हैव टू कनेक्ट दिस वायर विद अ बैटरी थ्रू ए की के, और जब आप इस की को ऑन करेंगे तो इस बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उससे एक एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी इन चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स करेगी. अब जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है इट विल कॉम्पेल द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिससे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, दिस इज द बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, सपोज दिस इज द वायर, मैं वायर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी रेंडमली मूव कर रहे थे वो करंट में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि करंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए चार्ज पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना बहुत जरूरी है. लेकिन जब बैटरी नहीं लगाई गई थी तो दीज चार्ज पार्टिकल मूविंग रेंडमली, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो दे विल नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन जब हमने की को ऑन किया तो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई उससे एक एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी ने इन चार्ज पार्टिकल को कॉम्पेल किया कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे. तो जो चार्ज पार्टिकल पहले रैंडमली मूव कर रहे थे दे आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रॉन जो है इस नेगेटिव से रिपेल होंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे एंड द करंट इज टू बी मूविंग अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने यहाँ से एक चीज समझ ली कि इलेक्ट्रिक करंट तभी चलेगा जब चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉलोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए यूनिट टाइम. तो इलेक्ट्रिक करंट की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए यूनिट टाइम. मतलब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए यूनिट टाइम. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए यूनिट टाइम. कि जो चार्ज पार्टिकल जब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जब फ्लो करते हैं देन इट विल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. या फिर सेकेंड डेफिनेशन हम दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस जब चार्ज पार्टिकल किसी भी वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर रेट से फ्लो करते हैं देन इट विल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पियर. इसको किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं. सपोज मैं कहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर वायर से, सपोज इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज
flowing through the cross section area of the conductor in a time interval t, then I is given by q by t. This is the formula of electric current. मैंने क्या कहा, if q is the amount of charge flowing through the cross section area of the conductor in a time interval t, then current is given by q by t. If q, that is the amount of charge, अगर ये charge किसी भी कनेक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से इन टाइम इंटरवल टी अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा है, और अगर ये चार्ज किसी भी कनेक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर कम फ्लो करेगा इन टाइम इंटरवल टी तो करंट कम है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज टू बी मेजर्ड इन एम्पियर. एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10^-3 एम्पियर के बराबर होता है एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज 10^-6 एम्पियर. सो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. अगर ये पेपर में आता है तो आपने इस तरीके से इसे एक्सप्रेस करना है. अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं. अवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है. मैंने आपको क्या बताया इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी चार्ज पार्टिकल किसी भी वायर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो दे विल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं. और किस में मेजर किया जाता है इसे, एम्पियर में मेजर किया जाता है. आई होता है आपके पास क्यू बाय टी, और 1 मिली एम्पियर जो होता है दैट इज 10^-3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज 10^-6 एम्पियर. और सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका भी आंसर देखेंगे. आंसर नंबर 2, इलेक्ट्रिक सर्किट. नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिक सर्किट. अब जब करंट किसी भी वायर में फ्लो करेगा तो वो तभी तो फ्लो कर पाएगा जब वो सर्किट क्लोज्ड होगा. मीन्स उसका पाथ कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर उसके अंदर कहीं पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी आ गई या वायर कहीं से ब्रेक हो गई तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ए कंटिन्यूस और ए क्लोज पाथ ऑफ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बना रहा हूं, दिस इज द बल्ब, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब and this is the ammeter and this is the battery and this is the tapping key, इसको हम की कहेंगे. अभी ध्यान से देखें, मैं यहां पर एक बल्ब ले रहा हूं, this is the electric bulb and this is the battery. What is battery? It is the series combination of cells. दिस इज की जिसका काम होगा सर्किट को ब्रेक कर देना या फिर सर्किट को कंटिन्यूटी में लेके आना. एंड दिस इज द एमीटर जो मैंने यहाँ पर सीरीज में लगा दिया ताकि मैं करंट की अमाउंट को चेक कर सकूँ. अब ध्यान से देखें, अभी की क्या है, ऑफ है. इसका मतलब सर्किट क्या है, ब्रेक है. यहाँ से जब करंट चलेगा तो उसे मैंने क्या बताया, एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ चाहिए. एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब ध्यान से देखिए, यहां से करंट आएगा, यहां से आएगा, बल्ब के पास से जाएगा, एमीटर के पास से जाएगा, लेकिन यहां पे आते ही आपका जो सर्किट है वो ब्रेक है. क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आ गई, एयर आ गई. अब एयर इज अ बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट यहां पे वापस नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है, सर्किट ब्रेक है. लेकिन जब आप की को ऑन कर दोगे तो आपका जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा. अब जब क्लोज्ड हो जाएगा तो करंट का पाथ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी के बजाय कंटिन्यूटी में आ जाएगा. तो एक कंटिन्यूस और एक क्लोज पाथ, एक कंटिन्यूस एंड ए क्लोज पाथ थ्रू विच दी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इज कॉल्ड द
इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या बताया? एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पे देखिए मैंने की लगाई हुई थी, अभी की क्या है देखो ऑफ पोजीशन में है। जब की आपकी ऑफ पोजीशन में है तो आपका जो सर्किट है वो ब्रेकिंग है, मतलब डिसकंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि करंट जब यहां से आएगा बल्ब से पास होगा एमीटर से तो यहां पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे बीच में क्या है एयर, एंड एयर इज अ बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो मींस इलेक्ट्रिक करंट को चलने के लिए एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ की जरूरत होती है। अब वो जो कंटिन्यूस और क्लोज पाथ जिसके अंदर से करंट चलता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। लेकिन जैसे ही देखो अब आप की को ऑन करोगे, की को ऑन करते ही ये वायर आपस में कनेक्ट हो जाएगी और जो सर्किट पहले आपका डिसकंटिन्यूस था वो कंटिन्यूटी को फॉलो करने लगेगा, अब वो ब्रेक नहीं है। तो ये जो क्लोज पाथ है वायरिंग के थ्रू, दिस इज द वायर, दिस इज द बैटरी, दिस इज द की, दिस इज एमीटर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये जो वायर का जो क्लोज पाथ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेशन बन गई ए कंटिन्यूस एंड ए क्लोज पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। चले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल नंबर 3, आंसर नंबर 3। नाउ क्या क्वेश्चन है? ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वो हमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब भी बोर्ड में न्यूमेरिकल आए देन यू हैव टू रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times, ताकि आप समझ पाएं कि एग्जामिनर हमें गिवन क्या दे रहा है और क्या इसमें हमें वो फाइंड आउट करवाना चाहता है। दोबारा सुनेंगे, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 minutes, कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसके अंदर एक फिलामेंट है। अब यहां से जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 0.5 एम्पियर का। कितना करंट चल रहा है? मैं कहता हूं यहां से I करंट चल रहा है, तो I की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.5 एम्पियर। और कितने टाइम के लिए चलता है? 10 मिनट के लिए, टाइम इज 10 मिनट्स। दोबारा सुनेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो कह रहा है इस बल्ब के फिलामेंट से जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मैं कहता हूँ वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो करंट इस फिलामेंट से पास हुआ वो 0.5 एम्पियर का पास हुआ, तो आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए पास हुआ? 10 मिनट्स के लिए पास हुआ, तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट यू नो दैट दैट इज 60 सेकेंड, तो टाइम हो गया आपके पास 600 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि जो 1 मिनट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट कितने के बराबर हो गया? 600 सेकेंड के। वो कह रहा है हमें फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब करंट चल रहा है तो करंट मैंने आपको बताया था कैसे चलता है, जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं। वो कह रहा है कि कितना अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज इस सर्किट से फ्लो हुआ। मैं कहता हूं लेट क्यू बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो क्यू निकालना हमें, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी। नाउ आई की वैल्यू रखेंगे दैट इज 0.5 एम्पियर, नाउ टाइम की वैल्यू रखेंगे दैट इज 60 सेकेंड, एंड इट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो क्यू आ गया आपके पास, दैट इज अगर हम बात करें 5/10 × 600, 0 से 0 कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 300 कूलम। तो कितना चार्ज इसके अंदर से फ्लो करेगा? दैट इज 300 कूलम, इतना चार्ज फ्लो करेगा। दोबारा देखेंगे, I होता है Q by T, Q हो गया I into T, I की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर,
टाइम के वैल्यू गिवन है 600 सेकंड, क्योंकि 10 मिनट थे एक मिनट में 60 सेकंड, तो 600 सेकंड। 0.5 को 5/10 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 5 30, तो 300 कूलम। तो कितना चार्ज इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, दैट इज 300 कूलम। सो दिस इज द लेक्चर 1, जिसके अंदर आज हमने 3 क्वेश्चंस को, 2 थ्योरेटिकल थे और 1 न्यूमेरिकल था, आज डिस्कस किया। आज के लेक्चर में से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन। एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड माई लेक्चर 1, दिस लेक्चर 1 of based on chapter 12 electricity on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra as early as possible, and from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। My channel is PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।